प्रचंड बुद्धि का प्रयोग कर इस मटके को पूर्णतः बुद्धि से भर दिया है। महाराज, सभी को ज्ञात है कि बादाम का सेवन कर बुद्धि में वृद्धि होती है, तो भर गया ना मटका बुद्धि से। गुरुवर, बादाम का सेवन उन लोगों को करवाया जाता है जिनकी बुद्धि सक्रिय नहीं होती, अतः आपका यह प्रयास स्थगित किया जाता है। क्यों? महाराज, यदि हम ये बादाम सुल्तान को भेजेंगे तो उन्हें यह प्रतीत होगा कि हम उन्हें मंदबुद्धि कह रहे हैं, ये अपमानित होंगे। मंत्रीवर की बात सही है, हमें भी ऐसा प्रतीत होता है। गुरुजी, आप ना बादाम का सेवन करना बंद कर दीजिए, अन्यथा सबको ये प्रतीत होगा कि आप मंदबुद्धि के हैं। हुजूर, उम्मीद करता हूं कि एक मटका बुद्धि तैयार होगी। देखिए आदरणीय, ये जो सुल्तान की मांग है ये असंभव प्रतीत होती है। या मेरे मौला, इस पूरे विजयनगर राज्य में कोई भी ऐसा अक्लमंद इंसान नहीं जो एक मटका बुद्धि का इंतजाम कर सके। महाराज, पंडित रामकृष्ण बुद्धि से भरे हुए मटके के साथ राज दरबार में उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। है? अवश्य मंत्रीवर, अवश्य उन्हें शीघ्र उपस्थित करें। जी महाराज। लीजिए गुरुवर, ये पखंडी रामा तो मटका बुद्धि से भरकर ले भी आया। महाराज। जनाब, इस मटके में क्या है? वही है जो आपके सुल्तान ने हमारे महाराज से मांगा है, वही है बन्ने खान साहब, बुद्धि। महाराज, तो प्रस्तुत है बुद्धि से भरा हुआ मटका, और मेरी आपसे ये विनती है कि आप स्वयं अपने कर कमलों से ये बुद्धि से भरा हुआ मटका बन्ने खान को भेंट करें। शिव 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 शिव। महाराज, पंडित रामकृष्ण पता नहीं किसका वध करके उसका मस्तिष्क इस मटके में डालकर ले आए, और ये मटका, ये पाप पूर्ण मटका आपके हाथ में थमा देंगे। महाराज, हमारे विचार से इस मटके का कपड़ा हटाकर एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए, कहीं कोई ऐसी चीज ना चली जाए सुल्तान के पास जिससे अनर्थ हो जाए। महाराज मेरी विनती है कि आप ही केवल इसे स्वयं देखें। उचित बात है पंडित रामकृष्ण, लाइए हम स्वयं उसका निरीक्षण करेंगे। पंडित रामकृष्ण, ये आपने क्या कर दिया? बन्ने खान, ये लीजिए आपके सुल्तान के लिए हमारी ओर से भेंट, मटका भर बुद्धि। और स्मरण रहे, ये मटका केवल सुल्तान के समक्ष ही प्रस्तुत होना चाहिए। जी हुजूर। हुजूर, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। सलाम हुजूर। महाराज, पंडित रामकृष्ण ने इस मटके में ऐसा क्या रखा है जिसे देखकर आप भी चौंक गए? गुरुवर, मैंने एक ऐसा ही और मटका तैयार करके रखा है जिसमें बुद्धि भरी हुई है, मैं कल उसे राज्यसभा में ले आऊंगा, आप सभी लोगों को अवसर मिलेगा
मैं कुछ कहूँ उससे उत्तम है कि आप स्वयं ही उसका अवलोकन कर लें, पर आप सबसे पहले सुल्तान तो उसे अच्छे से देख ले। बर्दाश्त से बाहर बाबा, चेहरा मुरझा गया है मेरा, दो दिन से पेट साफ नहीं हुआ है बाबा। आप तो सारे जहां का भूत भविष्य देख लेते हैं, सितारों की चाल पढ़ लेते हैं, मेहरबानी कर सितारों से दरख्वास्त कर मुझे बताएं कि इस कब से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। अल्लाह हुजूर, हमारी गलती को माफ करें, इसमें सितारों का कोई कसूर नहीं है। ये जो आपने इतने वक्त से किसी को सजा नहीं सुनाई है ना, उसकी वजह से है ये, क्योंकि ये आपकी आदत है। जब तक सुनाएंगे नहीं सजा, आपको आता नहीं है मजा, और जब नहीं आएगा मजा तो कब्ज कर रहेगा कब्जा। सही फरमा रहे हैं आप बाबा, सही फरमा रहे हैं, लेकिन सजा दें तो फिर किसे दें? हमारी सल्तनत हमारी इस आदत से वाकिफ है। सब इतने चौकन्ने हो गए हैं कि गुनाह तो दूर, हमारी शान में गुस्ताखी भी नहीं करते। दो दिन हो गए हैं बाबा, दो दिन। सिपाही को भेजा था कि किसी गुनाहगार को पकड़ लाए, नहीं आया अब तक। हुजूर, हुजूर, ये खालिद है आपका धोबी, इसने गलती की है। गलती? सुभान अल्लाह, क्या गुनाह किया है इसने? हुजूर, इसने आपकी शाही मखमली पोशाक को धोते हुए उसका रंग खराब कर दिया है। बर्दाश्त के बाहर। खालिद मियां, शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया है आपका। आप ये बताएं कि इस कमाल को आपने अंजाम कैसे दिया? माफ कर दीजिए हुजूर, बंदे से गुनाह हो गया। माफ तो हम आपको नहीं कर सकते खालिद मियां, कि अगर हमने आपको माफ किया तो हमारा पेट कैसे साफ होगा। तुम्हें सजा मिलेगी बाबा। इस गुनहगार को 10 कोड़े लगाए जाएं। बाबा कुछ नहीं हो रहा। 10 नहीं 50 कोड़े लगाए जाए। ऐसा करो, 50 नहीं इसे 100 कोड़े लगाए जाए। सुभान अल्लाह, बड़ा आसान हो रहा है बाबा। उल्टा लटका करके कोड़े लगाए जाए। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अब हम कुछ वक्त के लिए रुखसत होते हैं, ये खुशी हमारे बर्दाश्त के बाहर है। अल्लाह, आदाब अर्ज करता हूँ फकीर बाबा। आदाब। आदाब सुल्तान। क्या है इसमें? वही है सुल्तान जो आपने विजयनगर से मंगवाया था, मटका भर बुद्धि। Thank you.
सुभान अल्लाह, मटके के बराबर तरबूज मटके के अंदर। दिखाइए बाबा, फकीर को दिखाइए, बन्ने खान को दिखाइए, पूरे दरबार को दिखाइए। ये क्या हुजूर, आपने विजयनगर से मटका भर बुद्धि मंगवाई थी पर उन्होंने तो तरबूज भेज दिया, ये तो सरासर गुस्ताखी है हुजूर। नहीं बन्ने खान, तुम समझ नहीं रहे, बुद्धि है ये, करिश्मा है ये, करिश्मा, अकलमंदी का खेल है ये। वो कैसे हुजूर? अपनी अकल पर जोर डालो बन्ने खान, मटके के बराबर तरबूज मटके के अंदर कैसे डाला होगा? आपने दुरुस्त फरमाया हुजूर। हुजूर, उन्होंने इसके साथ साथ एक खत भी भिजवाया है। सुल्तान, आपके समक्ष ये बुद्धि से भरा मटका प्रस्तुत है, आपको यदि चाहिए तो इसे मटके में से निकाल लें, बस निकालना मटके को तोड़े बिना। यदि मटका टूट गया तो उसका अभिप्राय है कि आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हुजूर, क्या माजरा है, आप हंस क्यों रहे हैं? ईंट का जवाब पत्थर, ये तो हमने सुन रखा था बाबा, पर महाराज कृष्णदेव राय ने अकल का पहाड़ फेंक मारा है हम पर। जहीन, कौन है ये अकलमंद शख्स जिसने इस कारनामे को अंजाम दिया? कैसे डाला होगा उसने तरबूज मटके के अंदर? ये समझना हमारे बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर। पंडित रामकृष्णा, हम चकित हैं कि आपने ये तरबूज इस मटके में डाला कैसे, वो भी बिना मटका तोड़े हुए। क्या आप बता सकते हैं कि तरबूज इसके भीतर गया कैसे? महाराज, बहुत साधारण है, कुछ असंभव नहीं। मैंने इस मटके में तरबूज डाला नहीं, उगाया है। पंडित रामकृष्णा, हम कुछ समझे नहीं, आपने तो हमें और विस्मित कर दिया है, थोड़ा विस्तार में बताइए। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। आज आपने सिद्ध कर दिया है, यदि बुद्धि का उचित प्रकार से प्रयोग किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। धन्य है आप पंडित रामकृष्णा, धन्य है। धन्यवाद महाराज। महाराज, कृष्णदेव राय के दरबार में कोई एक पंडित है, उसका नाम हमारी याददाश्त से बाहर हो रहा है, पर उसी पंडित ने बुद्धि से भरा ये मटका तैयार करके दिया है हुजूर। हुजूर, मटके को तोड़े बगैर तरबूज निकालना नामुमकिन है। बर्दाश्त के बाहर, हमें बेवकूफ साबित किया। जिस किसी की भी ये करतूत है हम उसे सजा जरूर देंगे। बन्ने खान, विजयनगर एक नया फरमान भेजने की तैयारी करो। जी हुजूर। इस गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराज, आज पूरे 3 दिवस हो चुके हैं सुल्तान के यहाँ से
कोई जवाब नहीं आया। निश्चिंत रहिए मंत्रीवर, सुल्तान तक उनका उचित प्रत्युत्तर तो पहुंच गया है। अब तो वो इस दुविधा में होंगे कि बिना मटके को तोड़े वो तरबूज उससे बाहर कैसे निकालेंगे। संदेश तो आएगा, परंतु अब देखना यह है कि वो सामने क्या प्रस्ताव रखते हैं, क्या संदेश भेजते हैं वो। महाराज, सुल्तान के दूत आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है? जी महाराज। सलाम। हमारे सुल्तान ने आपके बुद्धि से भरा मटका कबूल किया है और अपनी खुशी जाहिर की है। सुल्तान ने यह खत आपके लिए भेजा है और साथ में सोने का घड़ा भी भेजा है। अरे वाह रामा, सुल्तान खुश हुआ, अब तो दूसरे राज्यों में भी तेरी प्रशंसा हो रही है। चुप कर। हम प्रसन्न हैं कि आपके सुल्तान प्रसन्न हुए। मंत्रीवर। जी महाराज। मंत्रीवर, सुल्तान का भेजा ये पत्र पढ़ा जाए। सुल्तान शमशुद्दीन जफर का विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय को सलाम। आपके भेजे बुद्धि से भरे मटके ने हमें हैरान कर दिया है। इस कारनामे को अंजाम देने वाले पंडित के लिए हम सजा मुकर्रर करते हैं। बुद्धिमान बन रहे थे ना पंडित रामाकृष्णा, अब आनंद आएगा। मर गए। आगे पढ़िए मंत्रीवर। जी महाराज। चूंकि गुस्ताखी बड़ी है इसलिए सजा भी बड़ी मुकर्रर होनी चाहिए। मंत्रीवर, दंड की बात पर आप हंस रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, हम नहीं हंस रहे हैं, ये सुल्तान हंस रहे हैं। अर्थात पत्र में ऐसा लिखा है कि सुल्तान हंस रहे हैं। आप पत्र आगे पढ़िए। उनकी सजा ये है कि हम उन्हें बाइज्जत हमारे दरबार में बुलाना चाहते हैं, ताकि हम यहाँ उनका इस्तकबाल कर सकें और ऐसे जहीन नायाब और अकलमंद आदमी को इनाम और इकराम से नवाजें, उन्हें ढेर सारे तोहफे अता फरमाएं। यहाँ लोगों को उनकी तारीफों की सजा सुनाने का मौका देंगे। यहाँ उनके भोजन में दुनिया की नायाब मिठाइयाँ परोसेंगे और दूर देशों से आई रकासों के रक्स का मजा लेने का मौका देंगे। इतना ही नहीं, हम उन्हें अपने पास बैठाकर संधि की शर्तों को भी पक्का करेंगे। फिर उसके बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ रुखसत करेंगे। हमारी गुजारिश है कि पंडित तथा आचार्य को हमारे दरबार में भेजने का इंतजाम करें, जिसने हमें ये बुद्धि से भरा मटका भेजा है। आज तक ये बुड्ढा लोगों का धन लूटता था, अब उनके किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय भी लूटेगा। महाराज, महाराज जरूर कोई त्रुटि हुई है। बुद्धि से भरा मटका तो पंडित रामकृष्ण ने भेजा था। सत्य कह रहे हैं आप मंत्रीवर। आत कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इस बात का तो सभी को ज्ञात है कि ये कार्य किसने किया है, पंडित रामकृष्ण ने, है ना गुरुवर जी? हाँ महाराज, बिल्कुल महाराज, आपका कथन एकदम सत्य है। परंतु महाराज, सुल्तान ने न्योता तो हमें दिया है, और वैसे भी संधि जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी वरिष्ठ व्यक्ति का जाना ही उचित होता है। सुल्तान ने निमंत्रण तो पंडित रामकृष्ण को ही भेजा है, क्योंकि वो पंडित रामकृष्ण के चातुर्य से प्रभावित हुए हैं, अतः जाना तो पंडित रामकृष्ण को ही चाहिए। महाराज, अवश्य सुल्तान से समझने में कोई त्रुटि हुई है। संभवतः, परंतु सत्य तो ये भी है कि न्योता आया है पंडित तथाचार्य के नाम से। वैसे भी हम सोच रहे थे कि राज्य के संधि करार जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आचार्य तथाचार्य जैसे व्यक्ति को ही वहां पर जाना चाहिए। महाराज,
आप जो भी निर्णय लेंगे सोच विचार कर लेंगे। राज्य के हितैषी हैं आप। पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य दोनों ही जाएंगे और वहां जाके स्पष्ट कर देंगे कि मटके में तरबूज किसने डाला था और वो पुरस्कार का पात्र कौन है, पंडित रामकृष्ण। और ये स्वर्ण निर्मित घड़ा भी पंडित रामकृष्ण को प्रदान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज हमारे एक निवेदन और, जब हम सुल्तान की राज्य सभा में जाने हेतु प्रस्थान करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य धनी मनी को भी हमारे साथ जाने की अनुमति दी जाए। उचित है गुरुवर, अनुमति है। मंत्रीवर, यात्रा की तैयारियां प्रारंभ की जाए। गुरुवर और पंडित रामकृष्ण निर्विघ्न सुल्तान के राज्य तक पहुंच जाने चाहिए। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। और एक बात मंत्रीवर, पंडित रामकृष्ण के बुद्धि का घड़ा और इनका ये स्वर्ण का घड़ा, ये दोनों पूरे राज्य में प्रदर्शित किए जाए ताकि समस्त विजयनगर राज्य को पता चले कि पंडित रामकृष्ण कितने चतुर एवं बुद्धिशाली है। हे भगवान, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? उठा लो, उठा लो, बुद्धि से भरा मटका उठा लो। शान शान, सबको मिलेगा। भगवान, इन लोगों ने तो तमाशा बना दिया है, अब क्या करूं? उठा लो, उठा लो, ऐसी आलसी बुद्धि और कहीं नहीं मिलेगी, जो ना किसी की सुनती है ना कोई काम करती है। ऐसी कामचोर आलसी बुद्धि दोबारा नहीं मिलेगी, उठा लो, उठा लो। ये तो क्या बोले जा रहे हैं? त्रुटि हो गई, मैं जो बोल रही हूँ वही बोल। हाँ, क्यों धक्का मार रहे हो? यदि बुद्धि से भरा मटका चाहिए तो समय की प्रतीक्षा करो। उठा लो, उठा लो, ऐसी विलक्षण बुद्धि जो मौत के मुख से बाहर निकाल लाए, जिसे हाथी का पैर भी कुचल नहीं पाए, जिसे राज्य का कारावास भी बंद नहीं कर पाए, जिसे फांसी का फंदा भी मार नहीं पाए, जो हवा की तरह हो मस्तिष्क में आए परंतु हाथ में पकड़ में ना आए। उठा लो इस चतुर बुद्धि से भरा हुआ मटका, उठा लो। ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? क्यों मेरी बुद्धि और सम्मान को सबके सामने क्यों नीलाम कर रही हो? मेरी बुद्धि ने क्या अनिष्ट किया तुम्हारा? हम तो आपकी बुद्धि का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लाभ, क्या लाभ? हम नहीं, अम्मा कह रही है कि आपकी बुद्धि का लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए। मुझे बुद्धि से भरे दो मटके चाहिए। हमें भी चाहिए। लाइए 40 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। हमें चाहिए, मुझे दो, हमें भी चाहिए, मुझे दो, हमें भी चाहिए, बंद करो, बंद करो, समेटो ये सब और मेरे जाने की व्यवस्था करो। मुझे तालीकोटा राज्य के सुल्तान के यहाँ से निमंत्रण आया है, जाना पड़ेगा। कब, कहाँ? अरे ये भी तो बताया कहाँ। जल्दी ये सब समेटो और अंदर चलो, आचार्य के साथ प्रातः प्रस्थान करना है मुझे। पंडित रामकृष्ण, तुम्हें हो जिन्होंने हमारा मुंह काला किया था। तुम भूल सकते हो हमने, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। आप घबराइए मत, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। जाइए जाइए, हम आ रहे हैं। हाँ, जल्दी आना। मुझे कुछ विचित्र सा क्यों अनुभव हो रहा है? क्या बताऊं धनी, पालकी उठाने वाला ही पालकी छोड़कर भाग गया। अरे अपना बुढ़ऊ भी तो इतना खा खा कर भारी हो गया है कि मंगलू पालकी छोड़कर भाग गया। अरे मंगलू पालकी छोड़कर भागे क्यों नहीं, कोई भी भाग जाता। अपने प्राण थोड़ी ना देने इस बुढ़ऊ के पालकी को उठाकर। अब करने भी तो क्या करें गुरुजी की वो भारी पालकी, हम अकेले तो उठा नहीं सकते। और
गुरुजी के नाम का इतना भय व्याप्त है संपूर्ण नगर में कि कोई उनका नाम सुनता है तो उल्टे पांव भाग जाता है। अब कोई उनका कार्य करना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें? यही प्रश्न हमें भी व्याकुल कर रहा है कि क्या करें। प्रणाम। प्रणाम। हम कार्यहीन हैं, हमें कार्य की आवश्यकता है, क्या कोई कार्य मिल सकता है? लो आ गया, इसे चाकरी की आवश्यकता है और हमें एक बकरे की, जो मिल गया। ऐसा करते हैं, गुरुजी की सेवा हम करेंगे और हमारी सेवा ये करेगा, कार्य पर रख लेते हैं। ठीक है ठीक है, कल से आप काम पर उपस्थित हो जाओ। आभार आभार गुरु। लो रामकृष्ण, अब हम आपके आसपास रहेंगे, अब गुंडों की नजर तुम पर है, मौका मिलते ही हमारी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। सुल्तान शमशुद्दीन जफर खान के नाम हमारे राजकीय संदेश है, जो आप वहां पहुंचते ही उन्हें सौंप देंगे। जी महाराज अवश्य। ये राजकीय मौर वाला राजकीय पत्र आपकी पहचान प्रमाणित करेगा। मंत्रीवर, बिना भूले ये सारी वस्तुएं मंगवाना, 4 सोने के कंगन नाग जड़ित, 10 कांजीवरम की साड़ियां सोने के कार्य वाली, पायल घुंघरू सिंदूर की डिबिया, माथे का जड़ाऊ टीका, हस्ताक्षर महारानी चिन्ना देवी। पंडित रामकृष्णा, ये सब भी अवश्य लेकर आइएगा, ये राजकीय पत्र नहीं है, चिन्ना देवी का आदेश है। जी जी महाराज अवश्य, ये आदेश तो राजकीय आदेश से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और आप राजकीय पत्र लेकर आइए शीघ्र। मंत्रीवर, अब ये राजकीय पत्र पढ़िए आप। महारानी चिन्ना देवी ने जो कुछ मंगवाया है वो सब हमारे लिए भी लाना, परंतु उनकी संख्या दुगनी होनी चाहिए, साथ ही एक सूची और है वो भी अवश्य लाइए। महारानी तिरुमलम्बा। ये क्या उपहास है? क्षमा करें महाराज, दोनों महारानियों ने हमें सूचियां दी थी और उन्हें यहाँ लाने की आज्ञा दी थी, क्या करता महाराज, लाना पड़ा। वो राजकीय पत्र कहाँ है? वो पत्र जो हमने आपको दिया था वो चाहिए, वो लेकर आइए आप। इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर, ये हमने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। इसमें लिखा है कि आप दोनों विजयनगर राज्य के सम्मानित सभासद हैं, अतः आपको योग्य मान सम्मान प्रदान किया जाए और कार्य संपन्न होते ही दोबारा विजयनगर में आपको भेज दिया जाए। पंडित रामकृष्णा, कल प्रातःकाल आप हमारे आवास पर आ जाइए, हम वहीं से सुल्तान शमशुद्दीन जफर के राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जी गुरुवर। आपकी यात्रा शुभ हो इसकी कामना करते हैं और आप पुनः सकुशल लौट आए उसकी प्रतीक्षा करेंगे। महाराज धन्यवाद। महाराज राजकीय पत्र। अचरणी, अपने से वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं जानते, ये हमारा स्थान है, जाओ जाओ तुम आगे जाओ, पीछे हमें ना संभाल लेंगे। क्षमा गुरुजी, क्षति हो गई, क्षमा। क्षति छुटा दो। क्षमा गुरुजी। ठीक है ठीक है, जब हमारे गुरुजी का भारी भार उठाओगे तो तुम्हारी कमर 2-3 बार लचक जाएगी, तब तुम्हें ठीक से अभ्यास हो जाएगा कि पालकी कैसे उठाते। चलो चलो आगे काम करो, चलो ठीक से पालकी साफ करो। हाँ अच्छे से करना। जी गुरु। हाँ हमारे गुरुजी की पालकी है। क्या है, सारे जीवन की आरती आज ही उतारेंगे आप? स्वामी यदि आप आदेश दे तो वो भी। शिव 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 शिव, इन पर तो व्यंग बाण भी प्रभाव नहीं करते। हो गया, अब बस करो, संपूर्ण रात्रि एक क्षण भी विश्राम नहीं करने दिया आपने।
अपने समक्ष बिठाकर आरती पर आरती, आरती पर आरती, आरती पर आरती किए जा रही हूँ। सर घूम रहा है हमारा। स्वामी, आप घर से दूर दूसरे राज्य में जा रहे हैं, हम यहाँ आपकी अनुपस्थिति में अकेले कैसे रहेंगे? भगवान, क्या करें इनका, क्या करें? आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। कौन हो तुम? गुरुजी, ये आपका नया सेवक है जिसे हमने आज से ही आपकी सेवा में नियुक्त किया है। वही सेवक जिसके संबंध में हमने आपसे बात की थी। ठीक है ठीक है, भली भांति अपना कार्य संपादित करो, अन्यथा थप्पड़ मार मार कर करवाएंगे। गुरुजी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करो, थप्पड़ मारना हमने आपसे भली भांति सीख लिया, मैंने तो विशेष तौर पर। ये कार्य हम स्वयं संभाल लेंगे, ये हमारे अधीन ही कार्य करेगा, करोगे ना? जी गुरुवर, आप तो हमारे स्वामी हैं। हम इसके स्वामी हैं, देखा? मित्रमा कृष्णा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। हमें भी तो उसी का इंतजार है, दीदार को आंखें तरस गई है। कहाँ हो रामा? अम्मा, शारदा, अरे कहाँ हो, शीघ्र करो, मुझे जाना है। दही चीनी खिलाने के चक्कर में एक पहर से मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। बस बस, कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम बस लेकर आ ही रहे हैं। लेकर आ रहे से क्या तात्पर्य है? दही चीनी खिलाने के लिए दही जमा रही हो क्या? लेकर आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, सुनते सुनते एक पहर बीत गया। अरे जल्दी करो, मुझे विलम्ब हो रहा है। शीघ्रता तो होगी ही, व्याकुल जो हो सुल्तान के आतिथ्य के लिए अपना स्वागत सत्कार जो करवाना है और नर्तकियों के नृत्य का आनंद भी उठाना है। ओ, अम्मा, हम ही कह रहे थे, सब समझते हैं हम, अन्यथा हमें साथ नहीं ले जाते। ए, मैं वहाँ राजकीय कार्य करने जा रहा हूँ, कोई रंगरलियाँ मनाने नहीं जा रहा, और वैसे भी केवल एक ही व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है, पूरे परिवार को नहीं। अब शीघ्र करो, विलम्ब हो रहा है। अम्मा जरा ध्यान पूर्वक देखिए, पंडित रामा कृष्णा के रंग ढंग हमें कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रहे। वहाँ नर्तकियाँ होंगी और वहाँ पर पहरेदारी के लिए ना आप होंगी और ना शारदा और ना मैं, है ना? चुप कर, क्षमा करें शुभ लक्ष्मी देवी। अयो, शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी रामा। हाँ मेरी माँ, शुभ लक्ष्मी देवी, क्षमा कीजिए, आग में घी मत डालिए, यहाँ पहले से ही ज्वाला भड़की हुई है, बस कीजिए। वही कह रहे हैं, ज्वाला भड़की हुई है इनके अंदर। शारदा, मैं वहाँ से पुणे लौटते समय ना रास्ते में इसे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार लेकर आऊंगा, ठीक है? और मेरे लिए? हाँ हाँ, तेरे लिए भी। हाँ अम्मा, तुम्हारे लिए भी लाऊंगा, सबके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा, पर पहले मुझे यहाँ से प्रस्थान तो करने दो। ये कहाँ लुप्त हो गए? उठा लो। ये क्या है? सामग्री की सूची, बस जितना लिखा है उतनी सामग्री लानी है। इतनी सी है? ये मेरी भी सूची, बस इतना ही। अम्मा, तुम्हारी सूची नहीं है, छोटी सी है। हाँ, लिखा। ये छोटी सी है। मैं मेले में नहीं जा रहा हूँ, मैं राजकीय कार्य करने जा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। हाँ, सबकी सामग्री, सबका सामान, सब ले आऊंगा। खिलाओ खिलाओ। देखा रामा, तेरे परिवार के सभी सदस्य तुझसे भी सयाने हैं, सबने पहले से अपनी अपनी सूचियां बनाकर रखी थी, तुझे इतनी सहजता से प्रस्थान नहीं करने देंगे, पूरा हरजाना लेकर ही रहेंगे। हाँ बंधु, अभी तो मैंने कार्य के लिए प्रस्थान भी नहीं किया, और इन्होंने मुझे पहले से कार्य में लगा दिया। ऐसा है मेरा परिवार, और इसे कहते हैं भाग्य। चल छोड़ भाई, चलते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समझो उसका पूरा समय आरंभ हो गया। गुरुजी, एक बात कहूँ, पंडित रामा कृष्णा समय से भी आगे चलता है और आपका समय अनिष्ट कार्य कर देता है। जी गुरुजी, अभी आता हूँ। जी गुरुजी। अल्प बुद्धियो, कुछ क्षण के लिए अपने मुख को बंद नहीं रख सकते? जाओ जाके अपना कार्य करो। जी गुरुजी।
प्रणाम गुरुवर। आइए आइए पंडित रामाकृष्णा, ये समय है आपका आने का। आप हम जैसे महान ज्ञानी राजगुरु को प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हमारा अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं आप। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें, वो मेरे परिवार ने मुझे दही चीनी खिलाने के चक्कर में मुझे विलंब करवा दिया। आपके तो मस्तिष्क में भी दही भरा है पंडित रामाकृष्णा। जी जी आप उचित कह रहे हैं, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, पहले ही बहुत विलंब हो गया है। चलिए आपके लिए अश्व की व्यवस्था किया जाके उसमें विराजमान हो जाइए, हम पालकी में आएंगे और ये गधे हमारी पालकी को उठाएंगे। जी आचार्य, मार्ग बड़ा लंबा है, हमें तुरंत प्रस्थान करना चाहिए, गंतव्य पर समय से पहुंचना भी तो है। चलिए जी आइए। रामकृष्ण जा तो रहे हो तो लौट कर नहीं आ पाओगे, आखिरी बार देख लो अपने इस विजयनगर को। स्वामी फिर से आ गई। स्वामी एक अंतिम बार आपकी आरती ताले नहीं दीजिए। अरे भाग्यवान, हम ताली कोटा जा रहे हैं, स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। शिव 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 बोलिए स्वामी। अपशगुन हो गया स्वामी, घोर अपशगुन, आप आज अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए। इतनी तीव्रता से आरती घुमाओगी तो दीपक तो बुझेगा ही ना। हाँ। ऐसा प्रतीत होता आरती नहीं कर रही हो, चक्की में गेहूं पीस रही हो। गुरु माता आप चिंतित ना हो, आरती छोड़िए और आचार्य को कुदृष्टि से बचाने का उपाय कीजिए। अति उत्तम विचार। हाँ। आपके शत्रु मिट्टी में मिल जाए। चलिए क्यों पंडित रामाकृष्णा, देखा हमारे साथ रहने का लाभ कैसे आनंद प्राप्त हो रहा है। ये तो आपकी कृपा दृष्टि है, अन्यथा मैं किस योग्य हूँ। गुरुवर आपने वो परिचय पत्र तो संभाल कर रख लिया है ना। अवश्य अवश्य, वो हमारे पास सुरक्षित है। क्या है कि वो ही हमारा परिचय पत्र है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ वो हमारी पोटली में सबसे नीचे रखी, हम स्वयं अपने हाथों से सुल्तान को अपना परिचय पत्र सौंपेंगे। जी मिल गया, इन दोनों को जानने पहुंचाने का रास्ता मिल गया, बस एक बार वो पत्र मुझे मिल जाए। क्या कर रहे हो? अरे सीधे क्यों नहीं चल रहे हो मूर्खो? गुरुजी ये सब असंतुलित कर रहा है, मटक मटक के चल रहा है ये। तेरी कमर है किसी वृक्ष की लचीली शाख, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। अरे 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 ठीक से चलाओ। अरे 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 गुरु के गुरुवर गिर गए। अरे गुरु के गुरुवर गिर गए। अरे गुरु के गुरुवर। शिव 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 शिव। अरे 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 आचार्य उठिए 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 उठिए। उठिए 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 उठिए, संभाल के संभालिए। उठिए आचार्य, रुके। उठिए उठिए रुको, दुष्ट राज गुरु पर प्रहार किया तुमने। शिव 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 आचार्य, प्रहार नहीं चिकित्सा, आपके कमर को ठीक करने के लिए चिकित्सा। चिकित्सा हाँ, कुछ कुछ आराम तो लग रहा है। ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हें ठीक करेंगे, हम इन्हें मारेंगे। नहीं मैं मानूंगा, मैं इनका प्रिय शिष्य हूँ, है ना गुरुजी? नहीं मैं मानूंगा, मैं मानूंगा। इधर आओ। जी गुरुजी। चिकित्सा के लिए धन्यवाद, परंतु हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते, थोड़ा विश्राम करना होगा। अभी मैं इसको बताता हूँ। हमारे गुरुजी को गिरा दिया। क्षमा करे गुरुवर, क्षति हो गए। अरे आप लोग शांत रहिए शांत रहिए, ये सोचिए कि इस छोटी सी घटना के घटित होने से कोई बड़ी बाधा टल गई है ना। ये तो केवल एक झलक थी, असली मुसीबत तो अब आने वाली है। और आचार्य
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके विश्राम की सारी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पास ही एक नदी है। नदी? तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी एक पक्षी को अपनी चोंच में पानी भरकर अपने बच्चों को पिलाते हुए देखा था। अब जब नदी है तो पास ही विश्रामशाला भी अवश्य होगी। चलिए आइए। करिए करिए विश्राम करिए, ये तो झलक थी, असली मुसीबत तो अब होने वाली है, क्योंकि ये घुंघरू एक एक थप्पड़ का बदला लेगा। चढ़े जा रहे हो। मेरी संगति में रहेंगे तो ऐसे ही आनंदित रहेंगे। अच्छा, आज रात्रि हम यहीं विश्राम करते हैं, कल प्रातः शीघ्र उठकर आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे, ठीक है? उचित उचित है। हर रात की सुबह नहीं होती रामकृष्ण। ॐ क्रीं कालिकाये नमो नमः। ॐ क्रीं कालिकाये नमो नमः। आज तो अधिक भोजन ग्रहण कर लिया है, ऐसा प्रतीत होता है हमारी आत्मा भी तृप्त हो गई। सही कहा गुरुजी, हमने भी भोजन बहुत अधिक कर लिया, थोड़ा और भोजन ग्रहण कर लेते तो अवश्य हमारा पेट फट जाता। अरे कामचोर, इधर इधर। अरे थोड़ा और बल का प्रयोग करो, क्या कन्या की भांति धीरे धीरे दबा रहे हो, चूड़ियां पहन रखी है क्या? क्षमा करो गुरुवर, क्षति हो गई। हाँ तो क्षति सुधारो। अरे इधर आओ। जी गुरुवर। गला छोड़ के बाकी सब दबा दो, बहुत पीड़ा हो रही है। जो आ गया गुरुवर। ये वस्त्र हटाओ। हम शिष्य जीवित हो और आधी रात्रि को ये मुंह छुपाए क्या कर रहे थे? हम हमारी दवाई ढूंढ रहे थे। क्षमा करना भाई, तुम्हें तो व्यर्थ में पीट दिया हमने। चुप रहो भाई, छाती में जलन हो रही है, इतने भी बहुत कष्ट है। मणि, भोजन तो हमने भी अधिकाधिक ग्रहण कर लिया था। गुरुओं के गुरुवर, आपकी पीड़ा हम दूर कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा चूर्ण है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम ले आए। निःशुल्क मिल रहा है, अवश्य ग्रहण करेंगे। जी हमें भी चाहिए वो चूर्ण है, बहुत आवश्यकता है हमें। जी अब थोड़ा विश्राम किया जाए।
चूर्ण का सेवन करते ही तीनों गहरी नींद में सो जाएंगे और हम अपना कार्य करके खो जाएंगे। पीजिए। पहुंचाई आपने हमको हानि। ये तो ब्याज था, असल अभी है बाकी। आदरणीय सुल्तान शमशुद्दीन जफर को कृष्णदेव राय का नमस्कार। प्रिय सुल्तान, पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य हमारे राज्य के घोर धार्मिक पुरुष हैं। हमारे राज्य के बहुमूल्य रत्न हैं ये। हम इन्हें आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। यदि हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार हो तो इन्हें वापस सही सलामत भेजें। पूरनमासी के दिन स्वयं इन्हें पालकी में चढ़ाकर यहाँ भेजिएगा। आभार, कृष्णदेव राय। यज्ञ पूरा हुआ और आप दोनों स्वाहा। भाग्य गुरुजी, भाग्य। भाग्य? कौन भाग्य? गुरुजी, हमने पूरी विश्राम छड़ा छान मारी, हमारा वो मूर्ख सेवक कहीं नहीं मिला। आप लोगों ने उसे इतना व्यथित कर दिया होगा कि वो भाग गया है। इधर आओ। जी गुरुजी। तुम दोनों हमारी पालकी उठाओगे और समय पर सुल्तान राजसभा में पहुंचाओगे। ठहर जाइए हुजूर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। इतना दुस्साहस, हमें खजूर कह रहा है। नहीं नहीं आचार्य, खजूर नहीं, हुजूर हुजूर। उर्दू में माननीय महोदय सम्मान दे रहा है। ये कैसा सम्मान है जहाँ राजकीय अतिथि को द्वार पर रोका जाता, शराब दे देंगे। रुकिए आचार्य, मैं बात करता हूँ। देखिए महोदय, हम विजयनगर राज्य से आए हैं, आपके सुल्तान ने स्वयं हमें दरबार में निमंत्रण दिया है। हुजूर, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब तक बाबा फखरुद्दीन आपके दरबार में आने का सही वक्त सितारे देखकर मुकर्रर नहीं कर देते, तब तक हम आपको दरबार में जाने नहीं दे सकते। आप थोड़ा इंतजार करें, गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। बाबा फखरुद्दीन। अच्छा, क्या आप हमें परिचित कराएंगे आपके महानुभाव बाबा फखरुद्दीन के बारे में? वे इल्म नजूम के माहिर हैं, सितारों की चाल को बखूबी जानते हैं, सारा इख्तियार है उन्हें, वो हर बात का सही वक्त पता लगाते हैं। सुल्तान तो उनकी इजाजत के बगैर पेट साफ करने हाजत के लिए भी नहीं जाते। अच्छा, अद्भुत अद्भुत। सुना आचार्य, इनके दरबार में ही आप ही की तरह एक राज बाबा फखरुद्दीन है, जैसे आप हमारे राजगुरु हैं। हम राज पुरोहित हैं, राज फकीर नहीं है। हमसे महान कौन हो सकता है? हम सर्वशक्तिशाली हैं, हमसे बड़ा कौन? वही जिन्होंने आपको यहीं पर रोक दिया। बर्दाश्त के बाहर है बाबा, बर्दाश्त के बाहर। हैरान हो गया हूं मैं, और ऐसा भी कोई शख्स नहीं मिला जिसे मैं सजा सुना पाऊं। बाबा, अपने आप को ही सजा सुना देता हूं। अल्लाह, तौबा तौबा। ऊपर वाले पर यकीन रखिए, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। हुजूर, विजयनगर से आए मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बहुत वक्त से हमारे मेहमान दरबार के बाहर खड़े हैं बाबा, अब बुलाए उन्हें अंदर। सही मुहूर्त के लिए कुछ वक्त इंतजार करना ही पड़ेगा, मैं अभी देखता हूँ। जाओ, हमारे मेहमान को दरबार में पेश करो। Thank you.
आइए आइए, तशरीफ लाइए। बर्दाश्त के बाहर था आपका इंतजार। प्रणाम सुल्तान महाराज। प्रणाम। हम हमारी सल्तनत में आप सबका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद। तो आप हैं मटके में बुद्धि भरकर भेजने वाले सही शख्सियत पंडित पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा तो ये हैं। पंडित रामकृष्ण आप हैं तो ये शख्स कौन है? हम हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। ये हमारे साथ वैसे ही सैर करते करते आ गए। सैर करने आ गए। मूर्ख बालक है, परिहास कर रहा है। वास्तविकता में जो कुछ भी हैं हम ही हैं। हम हैं राज पुरोहित तथा आचार्य। याद आ गया हुजूर, हमसे भूल हो गई थी। हमने ही पंडित तथाचार्य का नाम निमंत्रण पत्र में लिख दिया था, पर अभी मुझे याद आया कि वो तो पंडित रामकृष्ण थे जिन्होंने बुद्धि से भरा वो मटका आपके हुजूर में पेश किया था। उचित उचित सुल्तान, ये उचित कह रहे हैं, परंतु वास्तव में महाराज श्री कृष्णदेव राय ने स्वयं हमें आपके समक्ष भेजा है संधि और उसकी शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए। दुरुस्त फरमाया आपने। आप सभी का स्वागत है और आप सभी की जरूरतें मुहैया कराई जाएंगी। धन्यवाद सुल्तान। हाँ, ये राजपत्र महाराज श्री कृष्णदेव राय ने स्वयं लिखवाया है आपके लिए। आज के बाहर है ये हैरानी। इस खत में जो लिखा है क्या वो सही है? सत्य, शत प्रतिशत सत्य है सुल्तान। महाराज ने स्वयं इसे लिखवाया। क्षमा करें सुल्तान महाराज, कृपया बताएं इसमें लिखा क्या है? आदरणीय सुल्तान, पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य हमारे राज्य के चोर एवं अधार्मिक पुरुष, हमारे राज्य के बहुमूल्य रत्न चुराए हैं इन्होंने। हम इन्हें आपके दरबार में एक विशेष प्रयोजन हेतु भेज रहे हैं। यदि हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार हो तो इन्हें वापस मत भेजना। पूर्णमासी के दिन इन्हें स्वयं फांसी चढ़ाकर स्वर्ग भेजिएगा। ये हमारा आदेश है। ये संपूर्ण हो जाने पर ही हम संधि करेंगे। इसके पूर्व कोई वार्तालाप नहीं होगी। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी। बर्दाश्त के बाद ये कैसा परिहास है सुल्तान? आपने स्वयं हमें आमंत्रित किया और तत्पश्चात इस प्रकार के व्यवहार का तात्पर्य क्या है? हम खुद आपसे ये दरियाफ्त करना चाहते हैं। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा। सुल्तान, अवश्य आपके इस पत्र पढ़ने वाले से कुछ भूल हुई है, या फिर इसे पत्र पढ़ने का अभ्यास नहीं। लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। आपको तो भली भांति पढ़ना आता है ना?
हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप दोनों को महाराज ने मरने के लिए हमारे यहाँ क्यों भेजा है। हम क्या सोने की रस्सी से फांसी देने वाले हैं क्या? वहां क्यों नहीं लटका सकते थे? हुजूर, मुझे लगता है ये छोटे मोटे नहीं, बड़े गुनहगार हैं। अभी इनको दो सजाएं दी गई, एक मुल्क बदर और दूसरे फांसी। शायद यही ख्वाहिश है महाराज की। क्या ढूंढ रहे हैं सुल्तान महाराज? तुम्हारे अंदर छिपे गुनेगार को ढूंढ रहा हूं। मियां लगते तो नेक बंदे हो, क्या किया है तुमने? हुजूर, इसके मासूम चेहरे पर ना जा, ये तो नकाब है, मुखौटा। हर इंसान तो मासूम ही दिखना चाहता है। कोई मुखौटा नहीं है, कोई मुखौटा नहीं है। हम तो सीधे साधे हैं, भोले भाले भी हैं। कोई अपराध नहीं किया हमने सुल्तान। गजब। हुजूर, ये पंडित तथा चार्य की बातों का यकीन मत कीजिए। इस शख्स की शक्ल चोर चक्को जैसी लगती है। पिछले हफ्ते जो मुर्गी चोर पकड़ा गया था ना, वैसे ही शक्ल है इसकी। कैसे? हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं। तुम दोनों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं? रामा, अवश्य तूने आवश्यकता से अधिक बुद्धि का प्रयोग किया होगा, तभी कुपित होकर महाराज ने तुझे इस पागल के पास मरने भेज दिया। बर्दाश्त के बाहर है चुप्पी। सवाल पूछा है हमने, कौन सा संगीन जुर्म किया है जिसकी वजह से महाराज तुम्हें मौत की सजा देना चाहते हैं? हमें भी विदित नहीं है सुल्तान महाराज, जैसे ज्ञात होगा हम आपको अवश्य बता देंगे। जी, अवश्य बताएंगे। उससे पहले दुनिया से तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, समझे जनाब? नहीं, हमें हमें मुक्त कर दो, हमें फांसी पर मत चढ़ाओ सुल्तान, हमें मुक्त कर दो। ऐसे कैसे मुक्त कर दें? महाराज का फरमान है, वो भी शाही मोहर वाला। महाराज ने फरमाया है तो वो होके रहेगा। पूर्णमासी की रात को दोनों को फांसी दी जाए, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो महाराज और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, रिश्ता बिगड़ जाएगा। पर ये तो सोचिए महाराज, सजा देने के लिए यहां क्यों भेजेंगे? अल्लाह, ये कोई खास बात नहीं है हुजूर। सिर्फ महाराज ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी सजा देने की आदत और शौक से वाकिफ है। शौक? और आपके कब से भी। महाराज ने तो अपनी दोस्ती का हक अदा किया है कि उनका भी काम हो जाएगा और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। आफरीन बाबा, आफरीन। क्या कहा है आप? हमारे इतने सारे सवालों का जवाब एक ही झटके में हासिल हो गया। इन सबको सजा मिले। महाराज ने हमें मरने क्यों भेजा? अपने खास अपराध किया है।
सुल्तान, हमें क्यों बंदी बना रहे हो? हमने क्या अपराध किया है सुल्तान? हमें फांसी मत दो। अब गेहूं के साथ खून पिसता ही है ना। चार सजाएं, उसमें दो फांसी। बर्दाश्त के बाहर है ये खुशी। रनी मनी, तुम तो हमारे परम शिष्य हो, अंत तक बने रहना हमारे साथ तुम्हारा परम धर्म है, है ना? और शायद आपको अंतिम समय में लटकते हुए भी देख सकेंगे। फांसी। हाँ गुरुजी, प्रभु ये कैसी विडंबना है। रामा, रामा तुम चुप क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ करो, अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। नियति तो अटल है गुरुवर, यदि कुछ अशुभ घटने वाला होता है वो होकर ही रहता है। रामा, तुम कुछ प्रयास करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, भयभीत कर रहे हो। हम मृत्यु नहीं चाहते। आचार्य, परिस्थितियां विपरीत हैं, उनसे लड़ने से कोई लाभ नहीं। यदि लड़ने का कोई लाभ नहीं तो मरने का क्या लाभ है? आप शांत रहे आचार्य, अभी शांत रहना ही उचित है। क्या शांत रहे, शांत रहते रहते सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। अरे कुछ कर रामा, तेरे साथ साथ मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। हम ऐलान करते हैं, आने वाली पूर्णमासी की रात को इन दोनों गुनाहगारों को फांसी की सजा दी जाए। अब साफ होगा ना हमारा पेट। रामा, कुछ करो। क्षमा करें सुल्तान महाराज, हमारी एक प्रार्थना है। जैसे कि हम आपके अतिथि हैं तो हमें बंदी गृह में नहीं अतिथिशाला में ठहराया जाए। नहीं, तुम्हें कैद खाने में ही रखा जाएगा। हमें यकीन है तुम्हारे दिमाग में यहाँ से फरार होने की खुराफात चल रही है। तुम सबको कैद खाने में रखा जाएगा। छोड़ दीजिए, कृपया हमें छोड़ दीजिए, हम फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते। नामुमकिन, अगर तुम दोनों को हम छोड़ देते हैं तो हमारी कब्ज का क्या होगा, पेट साफ कैसे होगा? कमजी सुल्तान, अल्लाह, हमने सितारों से दरियाफ्त किया है कि इन दोनों को फांसी देने का वक्त आ गया है। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे दुष्टों, फांसी पर चढ़ाने का भी कोई शुभ मुहूर्त होता है? रामा बचा लो, कुछ करो रामा। मैं क्या करूं आचार्य, अब कोई लाभ नहीं है, आपके अपराधों का दंड मुझे भी भुगतना पड़ेगा। क्षमा। रुको, मरने से पहले हमारी अंतिम इच्छा तो जान लो, हम चाहते क्या है। अब मर ही रहे हो, आप क्या आखिरी ख्वाहिश हमारी मानो तो मरने के बाद अगले जन्म में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहते, हमें फांसी पर मत चढ़ाओ, मत चढ़ाओ। मृत्यु नहीं चाहते हम, मृत्यु रक्षा। क्या हुआ गुरुदेव? हमारी रक्षा करो। मरने के पहले चैन से सोने भी नहीं दे रहा है ये बुढ़ो। मनी, शायद यही हमारे गुरुजी के जीवन की अंतिम घड़ियां है। प्रतीत होता है कि फांसी पर लटकने से पूर्व ही मृत्यु के भय से गुरुजी की मृत्यु हो जाएगी। गुरुजी, मैं गंगा जल लेकर आता हूँ ताकि मरने से पहले आपके पाप धुल जाए। शुभ रहो मुख, जीवित है हम। तू स्वप्न था ये? होता है गुरुवर, ऐसा ही होता है, जब व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो तो स्वप्न भी बुरे बुरे ही आते हैं। रामा, तुम तो ऐसे शांत बैठे हो रामा, जैसे फांसी लगने की प्रतीक्षा कर रहे हो। गुरुजी, पंडित रामा कृष्णा इस वक्त इसलिए शांति से बैठे हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि है, बुद्धि, और इस वक्त पंडित रामा कृष्णा की बुद्धि तीव्र गति से चल रही है। तात्पर्य है तुम्हारा?
गुरुजी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पंडित रामकृष्ण कितनी बार मृत्यु के मुख से बचकर वापस लौट आए हैं। वो तो विशेषज्ञ हैं इसके। देखना, इस बार भी पंडित रामकृष्ण अपनी चतुराई से बचकर निकल जाएंगे और आप फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। रामा, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? सर्वप्रथम आप मुझे ये बताइए आचार्य, कि जो पत्र महाराज ने हमारे साथ भेजा था वो परिवर्तित किस प्रकार हो गया? हमारे गुरुजी के कारण इन्होंने ढंग से सहेज कर ही नहीं रखा। हैं, चुप रहो मूर्ख। हमने सहेज कर रखा था उसे, वो भी पोटली के नीचे। आश्चर्य, ये संभव कैसे हो गया? गुरुवर, आपकी पालकी उठाने वाला वो तीसरा व्यक्ति कहाँ है? ये सब उसी ने किया है, इसीलिए तो भाग गया। अरे मूर्खों, कैसा सेवक रखा था तुमने, भाग कहाँ गया वो? उसे तो भागना ही था आचार्य, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा किया क्यों, उसका प्रयोजन क्या था, और सबसे बड़ी बात, वो था कौन? क्या करें रामा, मृत्यु के मुंह में हैं हम। गुरुवर, आप इतने व्याकुल और विचलित ना हो, उदास रहने के लिए तो संपूर्ण जीवन पड़ा है। दृष्टि उठाकर देखिए, आपके सामने साक्षात जीवन खड़ा है। गुरुजी, पंडित रामकृष्ण आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान। अरे चुप मूर्ख, जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा तो ज्ञान का क्या करेंगे, आचार डालेंगे? गुरुवर, जब तक परिस्थितियों को भली भांति समझ नहीं लेंगे, तब तक उन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। परिस्थितियों को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। पंडित रामकृष्ण, हम परिस्थितियों को भली भांति नहीं समझ रहे, तो क्या हम रासलीला मना रहे हैं, इसलिए तो रो रहे हैं? समझदार समझते थे आपको, मूर्ख हैं आप, पागल भी। हमें कोई बात नहीं सुननी आपकी। गुरुजी, सुने या ना सुने, मृत्यु तो आप निश्चित ही है। कदापि नहीं, हम क्या फांसी चढ़ेंगे? हम कोई उपाय सोच कर यहाँ से भाग जाएंगे। अरे कोई उपाय तो सोचो यहाँ से भागने का। बर्दाश्त के बाहर हुजूर, रामकृष्ण शांत है, जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। कहीं फरार होने की फिराक में तो नहीं है? हो सकता है हुजूर। ऐसा हुआ तो पेट कैसे साफ होगा हमारा? हुजूर, अगर वो यहां से फरार होने में कामयाब हो गया तो आप महाराज कृष्णदेव राय को क्या मुंह दिखाएंगे? बर्दाश्त के बाहर होगी वो जिल्लत। बन्ने खान। जी हुजूर। उन पर पहरा सख्त किया जाए, वहां से ना मच्छर बाहर आ सके और ना ही चींटी अंदर जा सके। जी हुजूर, आपके हुक्म की तामीर होगी। अल्लाह। एक उपाय है। क्या? क्या? गुरुजी, सर्वप्रथम हम लोग महल की छत पर जाएंगे, फिर वहां से आपको उठाकर नीचे फेंक देंगे, फिर आप गिरना, फिर उठना, फिर दौड़ना, फिर भाग जाना। वाह धनी वाह, क्या उपाय? आप आचार्य को नीचे फेंकेंगे? छत के नीचे खाई है, आचार्य नीचे नहीं सीधे ऊपर जाएंगे। इधर आओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम हमारे प्राण बचाना चाहते हो या लेना चाहते हो? गुरुजी, मेरी बुद्धि में एक युक्ति आई है। बोलो। गुरुजी, हमारे इस कोठरी के पीछे एक बगीचा है, बगीचा, उस बगीचे में हम सुरंग खोदेंगे, उस सुरंग से अंदर घुस के बाहर भाग जाएंगे। वाह मनी वाह, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई आपके दिमाग में सुरंग खोद कर चला गया है। अरे यदि हमें कोई औजार मिल भी गया ना, तो सुरंग खोदने में 2 माह लगेंगे, और हमारे पास केवल 2 दिवस है, 2 दिवस। महल के पीछे जंगल है, बाएं तरफ नाला है और दाएं तरफ दलदल, हम भागकर जाएंगे कहाँ? सामने इतने सारे सैनिक हैं, यहाँ से भागना असंभव है। ये देखिए, सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, मैंने पहले ही यहाँ हर तरफ अच्छी तरह से जांच परख कर ली थी, इसलिए यहाँ से भागने की योजना कब की त्याग चुका हूँ। प्रभु, किस विपत्ति में उलझ गए हम, एक और जीवन के शत्रु हैं, एक और बुद्धि के शत्रु हैं, क्या करें हम? गुरुजी, ये प्रश्न हमसे नहीं, पंडित रामकृष्ण से पूछिए, उन्हें हर प्रश्न का उत्तर ज्ञात है।
पंडित रामकृष्णा, हम जानते हैं तुमने कुछ सोचा है, बताओ हमें, शीघ्र बताओ। हैं? आपने कुछ कहा गुरुवर? कुछ सुनाई नहीं दिया। यहाँ से बाहर निकलने का उपाय बताओ। हैं? अभी भी सुनाई नहीं दिया। पंडित रामकृष्णा, मरना नहीं चाहते, उपाय बताओ। गुरुजी, इस भाती इनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगा। आपने इनका अपमान किया है। मूर्ख हो तुम, बेवकूफ हो तुम, पागल हो तुम, और तो और आपने इनको ये भी कहा कि हमारी कोई बात नहीं सुनना, तो कैसे ये आपकी बात सुनेंगे पंडित रामकृष्णा? हमने ऐसा कहा? जी गुरुजी, ऐसे ही कहा। अच्छा ठीक है, क्षमा 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 कर दीजिए पंडित रामकृष्णा। गुरुजी, ऐसे क्षमा नहीं मांगी जाती। फिर कैसे मांगी जाती? वैसे मांगिए जैसे आप हर किसी से क्षमा मंगवाते हो। कैसे? सबसे पहले तो झुक जाइए और मुर्गा बन जाइए। हम मुर्गा बने? हम आचार्य तथाचार्य मुर्गा बने? अरे गुरुजी, अब आप सोच लीजिए, आपको मुर्गा बनना है या फांसी के फंदे में लटकना है? ठीक है, बनते हैं। बताओ भी, क्या योजना है? हाँ, अब कुछ सुनाई दे रहा है, परंतु ध्वनि बड़ी ही मध्यम आ रही है। अरे बहुत हो गया, हम नहीं कर सकते, और यह भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब उतावला हो रहा है मरने के लिए, ये क्या करेगा? अब कुछ सुनाई दे रहा है। हमें बचाओ रामा। आप चाहते हैं ना कि आपके प्राण बच जाएं? हाँ। चाहते हैं ना? हाँ। तो बिना कोई प्रश्न किए बिल्कुल वैसा ही कहिए और करिए जैसा मैं करता हूँ। क्यों? ठीक 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 है, हमें तुरंत सुल्तान से भेंट करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कहिए और जैसा मैं करता हूँ बिल्कुल वैसा ही करिए। स्वीकार, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। रामा, जैसा तुम करोगे वैसा ही करना है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहना है। हाँ आचार्य, बिल्कुल वैसा ही करना है। परंतु पुनर्विचार कर लो। कर लिया, आप बस वैसा ही कीजिएगा। ठीक है। आप हमसे मिलने के लिए मुंतजर थे, कहिए क्या मसला है? वो हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते थे। दुरुस्त है, बशर्ते दया की भीख नहीं मांगेंगे आप, और अपने गुनाह की माफी नहीं मांगेंगे आप। उसके अलावा आप कुछ भी कह सकते हैं, आप दोनों की फांसी तय है, हमारा इरादा कोई नहीं बदल सकता। क्षमा करें सुल्तान महाराज, परंतु इरादा तो बदलना पड़ेगा। बदतमीज, बर्दाश्त के बाहर है ये बदतमीजी। तुम होते कौन हो हमारा इरादा बदलने वाले? हम अपना इरादा नहीं बदलेंगे। बदलना होगा। नहीं बदलेंगे। बदलना होगा। हरगिज़ नहीं। पूर्णमासी की रात को तुम दोनों को फांसी होगी। पूर्णमासी की रात कोई फांसी नहीं होगी। होगी। उस दिन नहीं होगी। उसी दिन होगी। उस दिन नहीं होगी, फांसी कल होगी। हमें तो कल ही फांसी चाहिए। अरे ये क्या कर रहा है रामा? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर कुल्हाड़ी पर मार रहा है। हमें तो शीघ्र अतिशीघ्र बस फांसी पर चढ़ना है। हाँ। अल्लाह, क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को मरने के लिए इतना उतावले होते नहीं देखा। हम सत्य कह रहे हैं सुल्तान महाराज, पूछिए आचार्य से, बताइए ना आचार्य। हाँ, अवश्य अवश्य, चढ़ा दो चढ़ा दो, शीघ्र चढ़ा दो, हमें फांसी पर चढ़ना है, जल्दी। इतनी जल्दी क्यों? शीघ्र चढ़ा दो हमारे गुरुजी को फांसी पे, शीघ्र चढ़ा दो हमारे गुरुजी, धरती का बोझ हल्का करने के लिए व्याकुल हो रहे, चढ़ा दो फांसी पे, चढ़ा दो। बस आपसे एक अनुमति चाहिए सुल्तान महाराज। इजाजत लेने के लिए वक्त जाया मत करो, कहो क्या कहना है। बस मरने से पूर्व हमारी अंतिम इच्छाएं पूरी कर दीजिए। और तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या होगी? गुरुजी बताएंगे। हमारे गुरुजी को राज नर्तकियों का नृत्य देखना है ना गुरुजी?
खा के रहे, 56 भोगों का सेवन भी करना है। संक्षेप में कहें तो जीवन के बस छोटे मोटे आनंद लेना चाहते हैं, फिर आनंद पूर्वक फांसी पर चढ़ जाएंगे, है ना गुरु जी? हाँ, अवश्य अवश्य, हमें सब कुछ करना है। हाँ। सब कुछ करना है हमें, तत्पश्चात मरना है। बर्दाश्त के बाहर है मियाँ, बर्दाश्त के बाहर। दो दिन में पत्ते की तरह फांसी के फंदे में झूलने वाले हो, पर फिर भी उसका जश्न मनाना चाहते। कमाल है मियाँ, कमाल। ठीक है, हम भी कम दिलदार नहीं, तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी की जाए। धन्यवाद सुल्तान महाराज, धन्यवाद। देखा गुरु जी, जैसा आपका मन था बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब आप पूरे आनंद से फांसी पर चढ़िएगा। बाबा, अजीब तमाशा चल रहा है। मरने का इतना उतावलापन, मानो कि कोई इनामो इकराम लेने जा रहा हो। नहीं बाबा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मुझे। हुजूर, मुझे तो पूरी दाल काली नजर आ रही है। हाँ। बने खान। जी हुजूर। इनकी हर जरूरत मुहैया की जाए, जो ये करना चाहे इन्हें करने दिया जाए, और साथ साथ इन पर कड़ी नजर रखी जाए। जी हुजूर। धन्यवाद सुल्तान महाराज। धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा कि मसला क्या है। क्यों गुरुवर, आनंद आ रहा है ना? शरीर की मालिश करवा कर मृत्यु को प्राप्त होने का आनंद ही कुछ और है। अल्लाह, मैं तो ये दरियाफ्त करने के लिए आया हूँ कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। नहीं नहीं बाबा, कोई कष्ट नहीं है। कष्ट है तो केवल इतना कि ये पूर्णमासी 2 दिवस के पश्चात क्यों है, कल क्यों नहीं? अब तो केवल इतनी सी इच्छा है कि शीघ्र ही हमें फांसी लगे और हमारा कार्य समाप्त हो, बस। रामा, यहाँ हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। यदि शीघ्रता से हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा तो सोचो कितना आनंद आएगा। पंडित रामाकृष्ण, सत्य सत्य बताओ, ये हमें फंसाने के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हो? आचार्य, धैर्य रखिए और भोजन का आनंद लीजिए ना। आपको फंसाकर मैं कहां बचकर जाने वाला हूँ। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि सुल्तान और फकीर को कदापि इस बात का संशय नहीं होना चाहिए कि आप विचलित हैं या घबराए हुए हैं। हाँ? अल्लाह, अरे अरे, किसी की मौत आनी हो तो उसके हलक से तो निवाला भी नहीं उतरता है, और ये भूखे भेड़ियों की तरह से खा रहे हैं। अजीब किस्म की शख्सियत है ये। अच्छा हुआ जो सुल्तान ने अपना निश्चय परिवर्तित नहीं किया, हमें तो पूर्णमासी के दिवस ही फांसी लगनी चाहिए। आपको ज्ञात है ना क्यों है? है? हाँ हाँ, पता है पता है। अवश्य पता है। क्यों बाबा, क्यों? इसे कहते हैं ना, सही तरीके से आनंद के साथ मृत्यु को प्राप्त होना। हम तो ऐसे ही आनंद से झूमते झूमते फांसी पर चढ़ जाएंगे। अजीब और गरीब बात है बाबा, कड़ी नजर रखी जाए इन पर। मरने के लिए इतने उतावले क्यों हैं ये, समझ में नहीं आ रहा बाबा। बर्दाश्त के बाद
पंडित रामा कृष्णा, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। बस आगे आगे देखते जाइए गुरुवर, अभी तो केवल प्रारंभ है, आगे देखिए कल क्या होता है। अति सुंदर। पंडित रामाकृष्णा, जैसा आपने कहा वैसा हमने किया, अब आगे क्या योजना है? अभी तो केवल प्रारंभ है आचार्य, अभी आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हाँ, अंतिम भूमिका, जिसके विषय में मैं आपको रात्रि में बताऊंगा। अच्छा। योजना अनुसार सभी अपना कार्य करें और जैसा मैंने समझाया था वैसा ही करिए। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, चलिए। देखा गुरुवर, हमारी योजना सफल हुई। अवश्य अवश्य, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले ही समस्त आनंद की प्राप्ति हो गई। भोजन, मिष्ठान, नृत्य, ये सब तो ठीक, असली आनंद तो आएगा मृत्यु के पश्चात। बिल्कुल उचित कहा गुरुवर, परंतु आपने देखा ना कितने मूर्ख हैं ये, हमने उन्हें अंत तक नहीं पता चलने दिया कि हम मृत्यु को लेकर इतने उत्सुक हैं क्यों? अरे वो फकीर अज्ञानी है, कुछ नहीं आता है उसको, कहता है सितारों का ज्ञान है, ढोंग करता है। यदि उसे ज्ञान होता तो तत्काल समझ जाता कि हम पूर्णमासी को ही मृत्यु को क्यों प्राप्त होना चाहते हैं। उस दिन ऐसा क्या विशेष है? आचार्य क्या कर रहे हैं? धीरे बोलिए धीरे, ये बड़ा रहस्य है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। परंतु आप तनिक कल्पना कीजिए गुरुवर, पूर्णमासी के दिन मृत्यु के पश्चात हमारा अगला जन्म कितना भव्य, कितना आनंदमय और सुखों से भरपूर होगा। हमारा तो धैर्य का बांध टूटता जा रहा है, अधीर होते जा रहे हैं हम। ऐसा मन कर रहा है कि सुल्तान के फांसी का आदेश देने से पहले ही हम स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा डाल ले। हमारा मरने का मन नहीं कर रहा, बच जाएंगे ना? अरे बच जाएंगे, चुप रहिए। थोड़ा धैर्य रखिए गुरु है, प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। हम बच जाएंगे ना? अच्छा बच जाएंगे। रामा, मृत्यु के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? प्रातःकाल सब ज्ञात हो जाएगा, चुप कर। गुनहगारों को पेश किया जाए। जी हुजूर। बर्दाश्त के बाहर है इनकी खुशी बाबा, बर्दाश्त के बाहर। आपने पता किया कि क्यों इतने उतावले हो रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए? अल्लाह हुजूर, कुछ रास की बात मालूम होती है, जैसे सितारों की चाल, नक्षत्र से जुड़ा हुआ, बस वो क्या है ये तो नहीं मालूम, पर हुजूर इतना मालूम है, अगर इन्होंने आज मौत को गले लगाया तो इनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मर जाएंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी बाबा? अल्लाह, वही तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या खास बात हो सकती है बाबा? बर्दाश्त के बाहर है ये, बेचैन हो रहा हूँ मैं, उतावला हो रहा हूँ ये जानने के लिए, पता कीजिए। अल्लाह, मैंने सितारों की चाल दरियाफ्त की है, आज कोई विपरीत योग है। गुरुवर, स्मरण है ना क्या करना है?
हाँ स्मरण है, सब स्मरण है। तुम्हें स्मरण है या नहीं कि हम मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं? रामा अलविदा, अब सीधे स्वर्ग में भेंट होगी। रामा मस्त हो जाएंगे ना? भरोसा रखिया करो यार, हमारे पास इसके अतिरिक्त ना ही कोई दूसरा मार्ग है और ना ही कोई विकल्प। अच्छा अब प्रारंभ करते हैं। मनु, इस बुड्ढे को फांसी के फंदे पर लटकते देखने का तो आनंद ही कुछ और होगा। सोच अगर ये सच में मर गया तो। अरे लेकिन ये सुल्तान इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बुड्ढे में शक्ति ही कितनी है, दो क्षण में प्राण निकल जाएंगे, बुड्ढा टैम बोल जाएगा। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, शीघ्र करें। सर्वप्रथम मुझे फांसी पर लटकाए। हाँ क्या शीघ्र करें? शीघ्रता करके तुम स्वयं प्रथम फांसी पर चढ़ जाना चाहते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वरिष्ठ हैं, हम तुमसे अधिक ज्ञानी हैं, हम महान हैं। पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। सुल्तान हमें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। आइए चढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। जानते हैं समस्त लाभ तुम स्वयं उठा लेना चाहते हो, यह संभव है। पहला अधिकार हमारा है, हम चढ़ेंगे फांसी पर। नहीं नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। चढ़ूंगा फांसी पर। हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं, पहले हमारे गुरुजी को फांसी के फंदे पर लटकने दीजिए। हमारी खुशी का भी तो कुछ सोचिए। गुरुजी सुनिए, फांसी का फंदा लीजिए, गले में डाल दीजिए और लटक जाइए। अरे नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा। अरे हम चलेंगे, कहा ना छोड़ी। क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? क्या बचपना है, बच्चों जैसे जिद कर रहे हो। मैं लटकूंगा। कोई झूला है जो झूलने की जिद कर रहे हैं आप दोनों? फांसी है, फांसी का फंदा है। हैरान कर दिया आप दोनों ने हमें। कैसे लोग हैं आप दोनों? किस ग्रह से आए हैं? और महाराज कृष्णदेव राय, कैसी मुसीबत डाल दी उन्होंने हमारे गले। बिल्कुल उचित कहा सुल्तान महाराज, तो हम जैसे अभिशाप से मुक्ति पाइए। अरे हमारा जीवन अभिशाप ही तो है। मृत्यु की गोद में जाना तो परम सुख है। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, विलंब ना करें। आज सूर्यास्त से पहले ही फांसी पर चढ़ जाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो अपराधी स्वयं प्रस्तुत हो जाए वो अपराधी होता है। हम अपराधी हैं, हम चढ़ेंगे फांसी पर। हमें चढ़ाओ फांसी पर। हम इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ। क्या खास बात है आज बाबा? देखिए पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा गुरुवर, मैं बता रहा हूँ। पहले हम चढ़ेंगे। नहीं, पहले मैं चढ़ूंगा। पहले हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, तू चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अगर हमें चढ़ना पड़ा ना तो प्रेत उनके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। बाप लगेगा तुम्हें। कितना हूँ गुरु, लटकेंगे भी साथ में और प्रेत बनेंगे भी साथ में। आप तो बस पकड़े रहिए, छोड़िए मत। हाँ, कहा ना छोड़िए। अरे नहीं, आप छोड़िए। मैं चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। माजरा क्या है ये मुझे सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को मैं फांसी नहीं लटकने दूंगा। अरे बोलो, मैंने कुछ पूछा है? जी 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 सुल्तान महाराज, मैं आपको एक ही शर्त पर ये रहस्य बताऊंगा, यदि आप मुझे वचन दें कि आप सर्वप्रथम मुझे ही फांसी पर लटकाएंगे। मंजूर है हमें, पहले हम तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। अब बताओ क्यों तुम दोनों इतने उतावले हो रहे हो फांसी पर चढ़ने के लिए? जी जी, मैं बताता हूँ। सुल्तान महाराज, बात ये है कि हमारे राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की है कि आज पूर्णमासी के दिवस जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का महाराज बनेगा। बाबा क्या कह रहा है ये बाबा? हाँ हुजूर, मैं अभी अपना गणित देख करके बताता हूँ हुजूर। हुजूर कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुजूर। हाँ फकीर बाबा, आपने भृगु संहिता का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। जरूर। तब तो आपको ये अवश्य विदित होना चाहिए कि आज कैसा राजयोग है। अल्लाह पता है।
पता है मुझे। तो हमें क्यों नहीं इत्तला की गई? आपको कुछ आता भी है? अल्लाह हुजूर, पंडित रामकृष्ण जो कह रहे हैं सही फरमा रहे हैं। हुजूर, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि आज विपरीत राजयोग है। आज के दिन जो यहाँ पे फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बन जाएगा। अब समझ में आया है हुजूर? वो लोग फांसी के फंदे पर लटकने के लिए इतने उतावले क्यों थे? हाँ, सत्य है। और जो उसके पश्चात फांसी पर चढ़ेगा वो यहाँ का महामंत्री बन जाएगा, अर्थात मरने के बाद पूरा राज्य हमारा होगा। यह क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूँ सुल्तान महाराज, इसीलिए तो पत्र में मैंने वो परिवर्तन कर दिया था और अपनी फांसी की बात लिख दी थी। बन्ने खान जी, सही फरमाया सुल्तान, ये देखिए। ध्यान से देखिए सुल्तान, इन्होंने शाही फरमान के इबारत में रद्दो बदल कर दी है। हाँ सुल्तान महाराज, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, घोर धार्मिक को चोर अधार्मिक लिखा है, चुराया लफ जोड़ा, कुछ लिखा कुछ मिटाया है। अल्लाह, मरने का सारे सवाल कर लिए थे इन्होंने। अब अगर ये सुल्तान और वजीर बन गए तो हम लोग क्या करेंगे? बर्दाश्त के बाहर है गुस्ताखी, बर्दाश्त के बाहर है गुस्ताखी। है ना सुल्तान महाराज, देखिए एक और अपराध कर दिया मैंने, अब तो आप मुझे फांसी पर लटका ही दीजिए बस। ना 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 ना, पहले हमें फांसी पर चढ़ाइए, हमें फांसी पर चढ़ाइए, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं 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 सुल्तान महाराज, आपने मुझे वचन दिया है फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अरे आचार्य, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, अरे जल्लाद भाई, मैं चढ़ूंगा। दोनों में से कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, हम फांसी झूलेंगे। हम मरेंगे, अगले जन्म हम यहाँ के सुल्तान बनेंगे। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो पहले से यहाँ के सुल्तान हैं। दुरुस्त फरमाया आपने बाबा फकीर, दुरुस्त फरमाया आपने। दुरुस्त तो फरमाया सुल्तान महाराज, परंतु ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने वादा किया था कि आप पहले मुझे फांसी पर लटकाएंगे, तो अपना वादा पूरा कीजिए। नहीं नहीं, हम बनेंगे यहाँ के राजा, हम वरिष्ठ हैं, पहला अधिकार हमारा बनता है। नहीं नहीं, पहले मैं बनूंगा। हम बनेंगे। अरे नहीं आचार्य, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अरे मुझे फांसी पर चढ़ाना। जी हुजूर, पकड़ो इन्हें। अरे नहीं, अरे अरे मुझे राजा बनना है। अगर इस मोहरत पर किसी को फांसी न दी जाए, वो कोई मारा ना जाए, तो फिर तो यहां के सुल्तान हम ही रहेंगे। अल्लाह, और हमारे बाद हमारे वलीअहद। उनका हक किसी और को नहीं मिलेगा। हम सुल्तान शमशुद्दीन हुक्म फरमाते हैं कि हमारी सल्तनत में आज किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। अरे वाह रामा, मान गया तेरी बुद्धि को। कीड़े परे सुल्तान को कुत्तों की तरह भूख मरे। अरे हमारे बुड्ढे की फांसी स्थगित कर दी। क्या से क्या हो गया? ये बुढ़ऊ मरता तो हम राजगुरु बनते। राजगुरु, इस सुल्तान ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। हम ऐलान करते हैं कि हमारी सल्तनत में हमेशा के लिए फांसी पर रोक लगा दी जाए।
पता नहीं ये सितारे कब योग बना ले। आसीबन और इन दोनों को बाइज्जत सही सलामत विजयनगर पहुंचाया जाए। जी हुजूर। ख्याल रखना, रास्ते में ना तो ये मरे और ना ही इन्हें कोई मार सके। पूरी हिफाजत से पहुंचाइएगा। जो हुक्म हुजूर। नहीं नहीं सुल्तान महाराज, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं सुल्तान महाराज। हाँ। अच्छा, हमने तुम्हारे साथ उचित नहीं किया। वाह, जो तुम दोनों ने हमारे साथ किया उसका क्या। दिल तो करता है कि ऐसी सजा सुनाए कि मजबूर हैं हम सुल्तान बनने का। हम तुम दोनों को कोई मौका नहीं देंगे। ले जाओ इन्हें फौरन। जी हुजूर। पंडित रामाकृष्णा, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीवित हैं। अभिनय बहुत अच्छा किया आपने। विश्वास तो महाराज को भी नहीं होगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। वैसे धन्यवाद आचार्य। गौर शांत हो जाइए। हम हैं महाराज। आप चोरी कर रहे हैं। महारानी तिरुमलम्बा, भला हम चोरी क्यों करेंगे। तो फिर कौन चोरी कर रहा है। शांत हो जाइए कोई चोरी नहीं कर रहा था। तो महाराज आप चोर क्यों कह रहे हैं। हम चोर नहीं घोर कह रहे थे। घोर समस्या पड़ी है महाराज। आप तो निद्रा में थे, जरूर आपने कोई स्वप्न देखा होगा। हाँ, हमारे समक्ष एक अत्यंत घोर समस्या पड़ी है। परंतु हुआ क्या महाराज, हमें भी तो समझाइए। सिपाही। आज्ञा महाराज। समस्त सभासदों को सूचित कर दिया जाए, हम उन सभी से अभी इसी क्षण रात दरबार में भेंट करना चाहते हैं। जी महाराज। महाराज क्या आपको कोई आकाशवाणी हुई है। उससे भी गंभीर समस्या है। अर्धरात्रि में राजसभा। गुरुजी उठ जाइए, महारानी राजसभा बिठाई है और अब आपको वहाँ पे उपस्थित होने का आदेश भी दिया है। उठिए गुरुजी, उठिए ना। सदामिनी चुकुचू हमारे निकट आओ। उठिए गुरुजी, जाग जाइए। प्रभु घोर ज्ञान मुद्रा में लीन है, आप क्यों उनके ध्यान में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। आपको पता है क्या? हम आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं। सच्ची? उठो ना क्या हुआ आपको। हम आपके प्रेम में गिर गए। उठिए गुरुजी। ये क्या कर रही हैं? हम तबला बजा रहे हैं। अच्छा, उठ जाइए। उठिए गुरुजी, उठिए। धनी कोई लाभ नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं उठने वाले। तो पानी ले गया, पानी ये लिया एंजल। उठिए गुरुजी। क्या बात है प्रिय, हमारे साथ जल क्रीड़ा करने का मन कर रहा है आपका। ये काम करेगा। उठिए गुरुजी, उठ जाइए। गुरुजी उठिए। चल रे पगले, श्राप दे देंगे। गुरु माता, ये गुरुजी है या भालू, शीत निद्रा में चले गए, उठ ही नहीं रहे। मैंने अब तो एक ही उपाय शेष बचा है। हाँ। आज से हम कृष्णदेव राय ये घोषणा करते हैं कि राज पुरोहित का स्थान महापंडित तथाचार्य से ले लिया जाए और इस पद पर रामाकृष्णा को नियुक्त किया जाए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। आप हमसे हमारा पद नहीं छीन सकते महाराज, ये अन्याय होगा महाराज। हम तो अपने घर में जाएंगे।
जी गुरुजी। तुम्हें हमें निद्रा से उठाने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं मिला। हो जाता भी। महाराज ने राजसभा में आपको तत्काल उपस्थित होने के लिए कहा है। अर्धरात्रि को राजसभा? हाँ हाँ अभी। हाय सोने दो ना प्रिय, क्या कर रही हो? वो कौन है जो मुझे निद्रा से उठा रहा है? विश्राम करने दो। आप किसे प्रिय कह रहे हैं? कौन, मैं? हाँ आप। तुम्हें ही कह रहा हूँ, और प्रिय मैं किसे कहता हूँ? अर्थात आपको स्मरण है आज क्या है? क्या है? आप स्वप्न देख रहे थे, प्रिय आप कह रहे थे, तो आपको स्मरण होना चाहिए ना कि आज क्या है। बड़ी शरारती हो, तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं है कि आज क्या है, इसलिए मुझसे जाना चाहती हो ना, है ना, है ना, है ना? हमें स्मरण है आज क्या है, आज हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ है, परंतु आपको ये भी याद नहीं था। अर्धवर्षगांठ, ये क्या होता है? आज हमारी शादी को पूरी 6 मास हो गए, तो हुई ना अर्धवर्षगांठ। बहुत अच्छी बात है, तो अब मैं सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ हमने आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाया है, और आप सो रहे हैं, आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। ये स्त्रियाँ भी ना बड़ी अजीब होती है, अर्धरात्रि उठाकर पूछती है आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। ये स्त्री प्रेम और अर्धरात्रि में अवश्य ही कोई रहस्यमय संबंध है। ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी प्यारी धर्मपत्नी शारदा को हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, परंतु इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी, केवल मिष्ठान खिला देती। अम्मा जाग जाएंगी? नहीं जगेंगी। छोड़िए गुंडप्पा जग जाएगा। नहीं जगेगा। ये ध्वनि करके तुम मुझे बहला नहीं सकती। उठा लो। क्या? अपना शरीर उठा लो और जाकर दरवाजा खोलो। अरे अम्मा क्या हुआ? अम्मा अर्धरात्रि हो चुकी है, सो जाओ। दरबार से बुलावा आया है, अभी इसी समय बुलाया है। अभी इस अर्धरात्रि के समय ऐसी क्या समस्या आ गई? बताया पंडित रामकृष्ण, जब भी हम आधी निद्रा से जागते हैं तब हमारे नेत्र यूं ही फड़फड़ाते हैं। अरे रे रे रे। गुरुजी संभालिए, संभालिए अपने आप को। महाराज को क्या हो गया? अचानक ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि उन्हें प्रातः काल होने की भी प्रतीक्षा नहीं की? महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। क्षमा चाहते, ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ गई जिसने महाराज श्री कृष्णदेव राय को असमय, हमारा तात्पर्य है इस मध्य रात्रि को, दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया? गुरुवर अत्यंत गंभीर समस्या है, घोर समस्या है, घोर। ऐसी क्या समस्या है महाराज, कृपया बताएं। समस्या ये है कि आज हमने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में हमारे समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। वो प्रश्न ये है, ये
प्रेम होता क्या है। हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस समय आधी रात को प्रेम के बारे में जानना है इनको। रामा इनको बोल के अपनी पत्नी के कक्ष में जाए। प्रेम की भाषा और परिभाषा क्या है सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चुप कर जा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। महाराज, प्रेम की परिभाषा तो आप प्रातःकाल भी जान सकते थे महाराज। नहीं मंत्रीवर, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर अभी इसी समय चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न ने हमें व्याकुल कर दिया है। और जब हम व्याकुल होते हैं तो हमारी निंद्रा चली जाती है, हमें नींद नहीं आती। परंतु महाराज, आप गुरुवर, आप सभी हमारे विद्वान सभासद हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें कि ये प्रेम होता क्या है। क्योंकि जब तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, हम व्याकुल रहेंगे, हमारी निंद्रा गायब हो जाएगी, और यदि हम सो नहीं पाए तो आप सब कैसे सो पाएंगे। सही कहा महाराज आपने। मंत्रीवर, आप बताइए हमारे इस प्रश्न को लेकर आपका क्या कथन है। महाराज, हम इस उम्र में प्रेम, महाराज प्रेम जैसे विषय पर हम प्रकाश कैसे डाल सकते हैं? प्रेम वो है जो आधी रात हमें विश्राम नहीं करने देता, अर्धरात्रि नींद से जगा देता है और यहाँ दरबार में खींच कर ले आता है। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? हमें उत्तर चाहिए, सटीक उत्तर चाहिए हमारे इस प्रश्न का, बताइए। गुरुजी, आप तो प्रेम प्रसंगों में अति पारंगत और निपुण हैं। हाँ है तो? आपसे भली भांति और सहजता से इस प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? महाराज, प्रेम वो प्रसंग है, जीवन की वो परम आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। बात तो सत्य कही आपने गुरुवार, प्रेम वो प्रसंग है जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। परंतु प्रश्न तो वही खड़ा है गुरुवर, कि ये शब्द प्रेम, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ महाराज, वो क्या होता है कि ये जो प्रेम, क्या बताएं, क्या बताएं हम महाराज? महाराज, गर्मा गर्म पूड़िया, हलवा, जलेबियां खाने से मन में जो भावनाएं जागृत होती है, उसी को तो प्रेम कहते हैं। महाराज, नारियल पानी को चुरा कर पीने में जो आनंद आता है, उसे असली प्रेम कहते हैं महाराज। गुरुवर, शांत कराइए, ये गंभीर विषय है, शांत कराइए इन्हें। क्षमा महाराज, क्षमा। अरे मूर्खो, परिस्थिति की गंभीरता को समझा करो, चुप रहो वरना मुर्गा बना देंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु आपका प्रश्न जितना सरल है उसका उत्तर उतना ही जटिल है। सत्य का आपने पंडित रामकृष्ण, जटिल है, परंतु हमारे विश्वास है कि आप पंडित रामकृष्ण हमें इस प्रश्न का समुचित उत्तर दे पाए। तो आप बताइए ये प्रेम क्या होता है? महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल देना असंभव है, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। महाराज, अब क्या करें? मंत्रीवर, राज्य के कोने कोने में मुनादी करा दी जाए, पड़ोस के राज्य में घोषणा करा दी जाए कि हमारे इस प्रश्न का जो भी उचित उत्तर देगा उसे हम संतुष्ट होंगे, हम उस व्यक्ति को उचित पुरस्कार भी देंगे। जी महाराज, प्रातः दरबार में भेंट करेंगे। शुभ रात्रि। सुनो सुनो सुनो, विजयनगर के समस्त वासियों ध्यान से सुनो,
महाराज ने प्रश्न किया है कि प्रेम क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर महाराज को बताएगा, इसकी परिभाषा से महाराज को संतुष्ट करेगा, महाराज उसे उचित पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुनो सुनो सुनो, प्रेम क्या होता है? पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं। अजी सुनिए, आपको पता है प्रेम क्या होता है? अरे भगवान, अब क्या बताएं? जब से तुमसे विवाह हुआ है, मैं तो प्रेम का मतलब ही भूल गया हूँ। हे ईश्वर, यदि आज प्रेम का अर्थ सही पता होता तो हमें भी उचित पुरस्कार मिलता। प्रेम मेरे घोड़े का नाम है महाराज। आप जा सकते हैं। महाराज, प्रेम वो है जो हम अपने पुत्र से करते हैं, अपने माता पिता और पत्नी से करते हैं। मान्यवर, आप कृपया प्रस्थान करेंगे? प्रेम कुछ होता ही नहीं है महाराज, जीवन में सभी कष्ट का कारण प्रेम ही है। आप तुरंत जाइए। तो हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर सके, कोई भी नहीं। इसका उत्तर हम दे सकते हैं महाराज। अन्यथा आपके मुख में मक्खी घुस जाएगी। बंद कीजिए गुरु जी। क्या है? हम तो बस अवलोकन कर रहे थे कि ये है कौन। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रणाम महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। देवी, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी महाराज, प्रेम वो है जो एक व्यक्ति को एक साथ 9 भिन्न भिन्न भावनाओं की अनुभूति कराता है, अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, शांत और अद्भुत रस। इन 9 रसों के समग्र प्रभाव को प्रेम कहते हैं। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इन 9 रसों के अनुभूति के पश्चात भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही प्रेम है महाराज। क्रोध, घृणा, दुख होने के पश्चात भी जो 2 व्यक्ति को साथ रखता है वही प्रेम है। अति उत्तम, अद्भुत। तो अंततः हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया, प्रसन्न हुए हम। परंतु देवी, हम ये भी अवश्य जानना चाहेंगे कि आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। मोहिनी, हमारा नाम मोहिनी है। मोहिनी, मोहिनी, हम दूर देश से आए हैं और आपके लिए एक भेंट लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे स्वीकार करें। आ,
ये चित्र एक कुशल चित्रकार द्वारा निर्मित है। हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। ये चित्र सदैव आपको हमारे बारे में स्मरण कराता रहेगा। अवश्य कराएगा। महामंत्री महाराज, देवी हमारी और एक जिज्ञासा है कि आपको हमारे प्रश्न का उत्तर विदित कैसे था? क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। हम कुशाग्र बुद्धि के स्वामिनी हैं। समस्त दक्षिण भारत का भ्रमण कर हम आपके समक्ष आए। दक्षिण भारत के हर एक राज्य में हमारी बुद्धि का डंका बज रहा है और इस विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके। आपसे जीतना भी कौन चाहेगा? गुरुवर, कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये हमारी चुनौती है महाराज। यदि आपके राज्यसभा में कोई भी जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके, तो हमारी चुनौती स्वीकार करें।